Hello, dear students. Welcome back to our online classes. Today we are going to discuss about the Eggmark. Eggmark क्या होता है और कहां से ये इश्यू होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि Eggmark होता क्या है। Eggmark जो है एक प्रमाणीकरण चिन्ह होता है, means it is a certification mark that is certified by the government of India for the agricultural products, ensuring the consumer about the quality of product. Basically, ये एक certification mark होता है जो government के द्वारा दिया जाता है और ये इस बात की guarantee होता है कि आपका जो agriculture product है वो quality product है, वो कोई ऐसा ऐसा low level का product नहीं है। Means it ensures the purity and quality of agriculture product. So this is the Eggmark. Eggmark means it work as a benchmark for purity and quality. ये एक standard mark है, ये show करता है कि ये अगर Eggmark labeled product लेते हैं आप तो ये purity और quality का प्रतीक है, ये quality और purity को maintain करता है। तो ये basically जो 1937 से लागू हुआ है, जब आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और ग्रेडिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937 जब लागू हुआ था, तभी से ये Eggmark लागू हुआ है। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है वो इसको इश्यू करता है, वो इस जो बेंचमार्क इसको इंश्योर करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस कानून के तहत। और इस कानून को 1936 में जो है मॉडिफाइड भी किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट किया गया था। तो Eggmark को क्या है, Eggmark एक तरह से गवर्नमेंट का गारंटी है टू द कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है उसको गारंटी देता है गवर्नमेंट कि आप ये जो है प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये प्योर है और ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। आप तो देखे होंगे बहुत सारी जो एग्री प्रोडक्ट्स है, चाहे वो घी हो या चाहे वो कुछ मसाले हो या फिर कुछ और पैकेज फूड है, वहां पे Eggmark का सिंबल बना, एक चिन्ह जो है वन मार्क बना रहता है, तो उसका मतलब होता है कि दीज आर द प्योर प्रोडक्ट, दीज आर द क्वालिटी प्रोडक्ट। ये एक तरह से थर्ड पार्टी गारंटी का काम करता है। कौन करता है, गवर्नमेंट एज ए DMI, ठीक है। और Eggmark का जो यूटिलाइजेशन होता है वो डोमेस्टिक ट्रेड और एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर होता है। ये जान लीजिए पहले बहुत क्लियरली कि जो Eggmark होता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के लिए ही यूज होता है, वो भी डोमेस्टिक ट्रेड में, मतलब विद इन द कंट्री जब ट्रेड करते हैं कोई भी प्रोड्यूस का, कोई भी प्रोडक्ट का, आप Eggmark का इस्तेमाल करते हैं और एक्सपोर्ट के लिए भी करते हैं। एक्सपोर्ट के लिए भी जो है Eggmark को यूटिलाइज करते हैं कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्वालिटी प्रोडक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट जो है इसकी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि जब ये मार्क देता है गवर्नमेंट तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करता है, सिंपल लेता है डिफरेंट स्टेज ऑफ मार्केटिंग, रिटेलर के यहाँ से, कंज्यूमर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, उस प्रोडक्ट का सिंपल लेता है और उसको जो है लेबोरेटरी टेस्ट करा के और देखता है कि जो सारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है अंडर द एक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937, उसके हिसाब से ये जी नॉर्म्स फॉलो करता है कि नहीं करता। Eggmark का जो हेड ऑफिस है वो फरीदाबाद हरियाणा में है, DMI जो आपका काम करता है उसको। इसके बाद जब बात करते हैं Eggmark का, अगर कुछ इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें या फिर हम बात करें कि कब स्टार्ट हुआ था इसका, Eggmark का जो टर्म है वो दो शब्दों से बना हुआ है, एजी मीन्स एग्रीकल्चर, मार्क मीन्स सर्टिफिकेशन मार्क, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेशन मार्क, ठीक है। तो सिंपल सा है सर्टिफिकेशन मार्क फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसका मतलब निकलता है। ये जो एंटायर सिस्टम Eggmark है कब स्टार्ट हुआ था, कब क्रिएट किया गया था, ये 1934 से 1949 के बीच में किया गया था, जब जो हमारे उस जमाने की जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आर्किबाल्ड मैकडोनाल्ड लिविंगस्टोन, उन्होंने इस सबसे पहले सिस्टम को क्रिएट किया था, उनको इसका क्रेडिट जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज द मैन बिहाइंड Eggmark, तो यू कैन राइट दिस। और ये जो
एक बार सर्टिफिकेशन का काम है, जो एक मार्क इश्यू करने का जो काम है, ये गवर्नमेंट डीएमआई के थ्रू करता है। डीएमआई क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस तरह से काम करता है। और इसके जो सर्टिफिकेशन का जो प्रोसीजर है, ये टोटली वॉलंटरी है। मतलब गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को फोर्सफुली ये नहीं बोलता कि आपको सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। लेकिन कुछ केसेस में जो है गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, कुछ केसेस में वॉलंटरी, बट कुछ केसेस में, जैसे मुझे लगता है जो जो ऑयल्स है या जो घी है, कुछ कमोडिटीज है उनमें जो है इनको कंपल्सरी कर रहा कि आपको इस लेवल का ही जो है बेचना होगा। तो उसमें जो है ये जो उसका पूरा चेन बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा नेटवर्क बना हुआ है पूरे कंट्री में। 11 रीजनल ऑफिसेस है एक मार्क के, एडीएमआई की, जो 11 रीजनल ऑफिसेस है और 26 सब ऑफिसेस है। फिर जो है 11 रीजनल एग्रीकल्चरल और रीजनल एग्मार्क लेबोरेटरीज है और एक सेंट्रल एग्मार्क लेबोरेटरीज है, जो कि अंडर काम करता है, किसके अंडर में काम करता है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन। इतने सारे बड़े नेटवर्क के साथ ही जो है इस पूरी स्कीम, ये पूरा जो सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करता है। अब प्रेजेंटली अगर हम बात करें कि एगमार्क का जो स्टैंडर्ड है कितनी कमोडिटीज को फॉलो करता है, इंडिया में प्रेजेंटली जो है अगर हम अभी 2021 की बात करें इस टाइम पे, तो लगभग 227 एग्रीकल्चर कमोडिटीज ऐसी है जिसपे एगमार्क स्टैंडर्ड बने हुए हैं। देखो, तो अगर आपको सर्टिफिकेशन ले सकते हो कमोडिटीज के लिए, गवर्नमेंट ऐसी कमोडिटीज को आपको सर्टिफिकेशन दे देगा कि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसमें आपको पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, अदर सेमी प्रोसेस्ड गुड्स भी उसमें इंक्लूड है। वही रजिस्ट्रेशन करने या जो एक मार्क का रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसीजर क्या है, वो सिंपल सा है। ऑनलाइन आप अप्लाई करिए, या जो जो रीजनल ऑफिसेज है या जो सब ऑफिसेज है डीएमआई के, वहां जाके आप फॉर्म ले आइए और फॉर्म को जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो लगा के फॉलो कर दीजिए। उसके बाद में जो डीएमआई के जो ऑफिसर्स होंगे वो आएंगे, वो चेक करेंगे और जो भी प्रोसीजर को फॉलो करके वो आपको सर्टिफिकेशन देने का काम करेंगे। सर्टिफिकेशन देने के बाद भी जो है डीएमआई के जो या गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है, जो फील्ड ऑफिसर्स बने हुए हैं, केमिस्ट बने हुए हैं, जो फूड इंस्पेक्टर है, वो लोग रेगुलर चेक करते हैं आपके प्रोडक्ट को। वो रेगुलर चेक करते हैं कि आप जो है उस नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया दूसरे लोट में आपने उसको फॉलो ही नहीं किया। गवर्नमेंटली रेगुलरली इंटरवेल पे पीरियोडिकली चेक करता है। तो अगर मान लीजिए इस केस में अगर आप सपोज दीजिए, अब आप कहेंगे कि सर एक मार्क का गारंटी क्या है, थर्ड पार्टी गारंटी क्या है। मान लीजिए आप एक मार्क प्रोडक्ट लेते हैं, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जिस एक मार्क का निशान बना हुआ है और उसमें किस क्वालिटी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दिखा, क्वालिटी से रिलेटेड कोई आपको लगा कि नहीं इसमें कुछ मैनिपुलेशन है कुछ, तो आप गवर्नमेंट को लिख सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं और फिर उसको डीएमआई या गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको फ्री में आपको रिप्लेस करवा देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस करवाएगा कंज्यूमर को वो सारी जितनी क्वांटिटी का मटेरियल हो। उसके अलावा अगर ज्यादा दिक्कत हो तो गवर्नमेंट एक्शन भी ले सकता है। तो ये दिस इज अ सिंपल सा, इस वेबसाइट पे जाके आप उसका ऑनलाइन प्रोसीजर देख सकते हैं और भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं प्रोसीजर की, एक मार्क का सर्टिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कितने समय लगता है, कितना नहीं लगता, तो वो ऑल थिंग्स कम अंडर द यू कैन सर्च ऑन द डीएमआई gov.in पे आप जाकर सर्च कर। बात करते हैं एक मार्क का लोगो होता है, एक बार का लोगो ऐसा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जो है लोगो में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको देख रहे, दोनों लोगो में, दो लोगों में दिखा रखा आपको, दो लोगों क्यों दिखाया है, दोनों सेम ही है लेकिन मैंने इसलिए दिखाया कि एक 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 फॉर्मेट है इस तरह का, जो ये फॉर्मेट है
इसको अपन जो है आप देख रहे होंगे कि इसमें इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पे इसमें सीए नंबर लिखा हुआ है जबकि यहाँ इसमें नहीं लिखा हुआ है। जब आपको कोई कंपनी प्रोडक्ट पे आपको कोई लोगो दिखेगा तो वो सीए नंबर दिखेगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे सीए नंबर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कंपनी को वो मिल जाएगा आपको सीए नंबर मिलेगा। तो सीए नंबर क्या होता है? सीए नंबर होता है सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथराइजेशन नंबर, एक तरह से वो लाइसेंस नंबर कह सकते हो आप, ठीक है। तो उसको सीए नंबर मिलेगा और सीए नंबर मिलने के बाद फिर आप उसको लगा सकते हैं। तो लोगों का जो सब जो है इसके बारे में विस्तृत आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह का लिखा होता है, क्या उसमें। तो ये जो एक डायमंड बना होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन नाम होता है और ये सब चीजें मिल जाएगा। दिस इज द लोगो ऑफ एग्मार्क। अब यहाँ पर कुछ सिंपल देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो है ब्रांड तो हटा देते हैं अपन, अपन क्या करना है किसी ब्रांड से। देखिए आप ये जो है यहाँ पे देखिए आप ये बना हुआ है आपका लोगो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो घी है वो एगमार्क लोगो उसको मिला हुआ है और वो एक क्वालिटी को इंश्योर करता है, उस क्वालिटी से नीचे का ये नहीं मिलेगा। तो इट इंश्योर द प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ घी ऑफ दिस ब्रांड, जो भी ब्रांड हो। वैसे यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ये लोगो लेने के बाद आपके प्रोडक्ट की विश्वसनीयता बन जाती है, कस्टमर ज्यादा सोचता नहीं है कि इसको ले या ना ले। अगर उसने लोगो देखा तो समझो अरे यार इसमें गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट इसको सर्टिफिकेट सर्टिफाई किया है तो मतलब अच्छी क्वालिटी का हम ले सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ, ठीक है। आगे गुड। अब इसको एक बार अगर हम समराइज में कंक्लूड करें तो सिंपल से आपके सवाल में जहन में सवाल उठता है कि भाई व्हाट इज एगमार्क? तो एगमार्क इज नथिंग बट इट इज सर्टिफिकेशन मार्क फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। व्हाट इज इट डिनोट? क्या इंडिकेट करता है? प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर। कैन यू इश्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप बोल भी सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब अस्तित्व में आया? 1937 अस्तित्व में। लीगल बैकअप क्या है? किस कानून के तहत ऐसा होता है? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937 एंड अमेंडमेंटेड इन 1986 में ये अमेंडमेंट हुआ। कितने नंबर ऑफ टोटल कम्युनिटीज नहीं कवर करा? 227 के लगभग है। ये जो है आप यहाँ पे जो है इसको एक समराइज में देख सकते हैं। क्वेश्चन भी आपको यही बनते हैं जनरली, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना इसी तरह क्वेश्चन आता है, वो ज्यादा इसमें से वो नहीं आया। बाकी जो रीजनल लेबोरेटरीज कहाँ है कितनी नेटवर्क वो हमने पिछले उसमें डिस्कस कर लिया था वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसमें जाके देखिएगा। मुझे लगा कि एक मार्क में एक वीडियो सेपरेट होना चाहिए तो मैंने, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है उसी हिसाब से एक वीडियो बना के लाया हूँ। इसके अलावा वो बहुत बड़ा वीडियो कर सकते हैं लेकिन क्योंकि जरूरत नहीं होती। अच्छा ये एग मार्क हो गया जो एग्रीकल्चर गुड्स के लिए मिलता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी मार्क है जो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स या डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज के लिए इश्यू होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए इश्यू होता है गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, बाकी वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ISI मार्क है वो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए इशू किया जाता है। इंडस्ट्रियल गुड्स तो मतलब ये भी उसकी क्वालिटी को शो करता है। इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब कोई भी मैन्युफैक्चर होता है, कोई भी गुड्स जो है इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। चाहे वो आपका कोई मेटल का प्रोडक्ट हो या कोई वुड कवर का प्रोडक्ट हो, उसमें ISI का मार्क देखा होगा आपने, चाहे वो सिलेंडर हो या चाहे फिर वो कोई और किसी प्रकार की चीजें बनी हुई है उस पर ISI मार्क्स आप देखते होंगे। उसका मतलब होता है कि भाई गवर्नमेंट उसको जो है चेक किया है और वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि लोकल बना के और बेच दिया जिससे कि कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है, उसकी जान को उसके माल को हानि हो सकती है। वैसे एक होता है BSI मार्क, ये भी गवर्नमेंट देता है। ये ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन्स के लिए BSI
मार्क दिया जाता है प्योरिटी के लिए। एक आपने देखा होगा कई जगह पर लिखा होता है कि एफपीओ मार्क। एफपीओ मार्क क्या होता है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जो फूड प्रोडक्ट्स है उनके लिए दिया जाता है। जैसे जूस के कैन होंगे उसमें लिखा मिलेगा आपको, या कुछ और फ्रूट्स के कुछ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट मिलेंगे उसकी आपको देखने को मिलेगा। कई जगह इको मार्क्स भी यूज करते हैं। इको मार्क का मतलब होता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, मतलब गवर्नमेंट मानता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है इको फ्रेंडली है, ये जो है इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करता है। उसके बाद में आप देखते होंगे कि ग्रीन डॉट मार्क, ठीक है, एक ऐसा मार्क होता है, एक स्क्वायर बना होता है, ठीक है, और उसके बीच में जो है एक ग्रीन कलर का डॉट बना होता है। ग्रीन कलर का डॉट जो है बना होता है उसको जो है आप देखेंगे वो सारे प्रोडक्ट में देखे होंगे, इस तरह का ग्रीन डॉट बना होता है और वो उस पे दिखा होता है। तो मतलब क्या होता है कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, मतलब इस प्रोडक्ट में कोई भी नॉन वेजिटेरियन मटेरियल नहीं है, कोई उसकी पॉपुलर्स नहीं है या कोई ऐसा फ्लेवर नहीं है जो नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है। तो ग्रीन डॉट उसके लिए यूज करते हैं। ब्राउन डॉट अगर हो, अगर ब्राउन डॉट हो इसी में, तो ब्राउन डॉट में क्या होता है? ब्राउन डॉट का मतलब होता है नॉन वेस्टेज प्रोडक्ट्स, मीन्स दिस प्रोडक्ट इज प्योरली मेड बाय द नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स, या उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जो नॉन वेजिटेरियन है। तो जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे केक में एग मिला हुआ देखते हैं, तो आप बहुत सारे एग तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो वेजिटेरियन है, वो अलग इश्यू है। बहुत सारी चीजें होती है जिसमें ऐसी चीजें मिली हुई होती है, ठीक है। उसके अलावा एक नेक्स्ट मार्क है इंडिया ऑर्गेनिक मार्क। इंडिया ऑर्गेनिक मार्क जो है आप देखे होंगे वो मिलता है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के लिए। उसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर कर लिया है कि ये जो प्रोडक्ट बना है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस से बना है, ऐसे प्रोड्यूस से बना है जिसको खेती जो है ऑर्गेनिक रूप में हुआ हो, कोई फर्टिलाइजर जिसमें कोई जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट के उसको फॉलो करते हुए वो प्रोडक्ट बना है, उसको सर्टिफाई करने के लिए मार्क दिया जाता है जिसको बोलते हैं इंडिया ऑर्गेनिक मार्क। इसके बारे में आप इसे जान सकते हैं यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके। मैं यहाँ पे एक केवल और भी दिया हूँ कि भाई जैसे एक मार्क होता है वैसे ही बाकी भी मार्क होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है जारे वगैरह का, ये कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में उसमें जल्दी ये मार्क्स पूछा जाता है। मुझे लगा मैंने आप लोगों के सामने लेके आया। गाइस सो थैंक यू फॉर बीइंग मी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। और सबसे पहले बड़ी बात है कि स्ट्रिक्टली फॉलो द कोरोना रिलेटेड गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि कोरोना का बड़ा रूप हम लोगों ने देखा है पिछले 1 से 1.5 साल में। आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ बाय बाय फॉर नाउ।